करता है ना यार, क्या गंदा वाला। Hi guys, good morning. आई होप आप लोग थ्रिल कर रहे होंगे। और मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी, मैं व्लॉग डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना कंसिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा आगे करने का। और आप लोग बस प्यार मत रोकना। तो आज मैं जाने वाला हूँ वन डे ट्रिप टू माथेरान, मतलब आज जाऊँगा, रात में रुकूँगा, नेक्स्ट डे मैं वहाँ से रिटर्न। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, सो आई विल टेक यू राइट टू माथेरान। बाय। तो मैं चाय वाय बनता है ना, तो लेट्स गो। तो ये माथेरान जाने के टाइम पे एक पॉइंट मिला है, तो पॉइंट देख करके मैंने रोक लिया गाड़ी। थोड़ा दिखाता हूँ आपको कैसा है व्यू वगैरह। सो इट्स रेनिंग हैवली और अभी रुका है थोड़ा रेन, तो बस ये स्पॉट देख रहे हो कैसे ही है। तो ये है पार्किंग स्पॉट माथेरान का, यहाँ पे आप आकर के अपना कार लगा लो। और एक दिन का शायद, आप आज के आज ही अगर कार लेकर के जाते हो तो 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और अगर आप रहते हो यहाँ पे तो आपको वो 150 चार्ज करेंगे। तो मैं कल यहाँ से रिटर्न होने वाला हूँ, एक दिन का ये मेरा ट्रिप है। तो अभी यहाँ से मैं लूँगा ट्रेन, क्योंकि यहाँ से ऊपर गाड़ी नहीं जाती, आपको ट्रेन लेना पड़ेगा या तो फिर आपको लेना पड़ेगा हॉर्स राइड, जो कि मेरे को हॉर्स राइड नहीं लेना था, इस वजह से मैं ट्रेन प्रेफर किया। Do you wanna have this blackberry? जामुन। हमारे साथ एक गैंगस्टर है, हमारी गैंग मेंबर चल नहीं सकती है तो घोड़ा दे रही है, एनिमल अब्यूज। तुम खुद का अब्यूज करो। मैं, अरे वो तो मैं सीखा हूँ हिप हॉप से ना। मैं लेने वाला था ट्रेन, मैं घोड़े पे नहीं जाऊँगा, तो ट्रेन एक घंटे लेट है, अभी एक घंटे लेट से आएगी, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। अभी यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, ऐसे ही चलते चलते जाएंगे। हमारे यहाँ पे सिड भाई हैं, सिड भाई टॉर्चर हो रहे हैं, पता नहीं टॉर्चर नहीं हो रहा तो। और मेरे साथ है मेरी एक दोस्त है, ये घोड़ा लेने को चाह रही थी, पर घोड़ा बोला कि मैं नहीं चलाऊँगा इसको। तो ये ना, ये सिड भाई है, इनसे मैं फर्स्ट टाइम जब जा रहा था गोवा, तो ब्लाबला के थ्रू हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, और अभी ऐसी फ्रेंडशिप होगी तो अपन ट्रिप मार रहे हैं साथ में। और ये भाई यही हमें कन्विंस करेगी, यार बैग उठा लो, बैग दे दो मेरे को, बैग दे दो। मैं बोला यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी ना अगर मैं उठा के नहीं लेके पाया जा पाया। तो मस्त यहाँ पे इंक्लाइन सा है पहाड़। हमारी एक गैंग मेम्बर आपको उधर दिखेंगी जो घोड़ा लेके जा रही है। तो यही है फन, बारिश हो रही है और इसी के लिए मैं आया था माथेरान। ये देखो, हो हो, ये देखो एडवेंचर, ये व्लॉग में आएगा मजा।
मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर में ये लोग गाइड किए कि एक रिसोर्ट है वहाँ पे, आपको 2000 रुपये में रूम मिल जाएगा, उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सही है, गुड डील। और बेचारे उसको भी मैंने डील दे दिया, भगवान ने उसकी सुन ली, वो बोला सैटरडे संडे हमारा खर्च निकल जाएगा तो हमें दे दो यार बैग अपना, तो उसकी भी भगवान ने सुन ली और बैग उसने लेके गया। ओके, तो ये आ गया अब अपने होटल रूम पे और हमारे साथ एक स्कैम हो गया है। स्कैम ये हो गया है कि बोला गया था हमें 4000 रुपये में एक रूम मिलेगा जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर इंक्लूडेड रहेगा, वो भी नॉन वेज मील्स, और यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं कि आपको 6000 रुपये का एक रूम मिलेगा जिसमें आपका ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इंक्लूडेड है, वो भी नॉन एसी। तो ये स्कैम हुआ है मेरे साथ अभी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितना सही हमें प्रॉपर्टी मिला है। ये देखो जी, यहाँ से व्यू, ये है होटल, ये मेरे फ्रेंड्स लोग उधर उस रूम में रह रहे। तो ये जो दरवाज़ा है ये कनेक्टेड है, मतलब आप खोलोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, तो ये इस वजह से ये रूम सही है। अब ये आपको बेडरूम मिला है, थोड़ा सा हेरिटेज टाइप का है, तो ये मैं थोड़ा गीला हो गया, थोड़ा नहीं पूरा ही गीला हो गया हूँ। वॉशरूम तो ये बॉम्बे का 1 BHK फ्लैट लग रहा है मेरे को, हाँ इतना ही बड़ा होता है 1 BHK फ्लैट, बहुत बड़ा है वॉशरूम, ये बॉम्बे का 1 BHK फ्लैट है लिटरली। चलो अभी लंच करने को जा रहा हूँ मैं, सो और ये मेरा GoPro का बैटरी डेड हो गया, फिर वैसे मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ अभी। चलो बाय। So this is the buffet system, दाल राइस और ख़त्म होने गए गोभी आलू वेज अभी। ओके, सो अभी लंच वंच करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा भसड़ हो गया था जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया, थोड़ा गुस्सा सा आ गया था मेरे को, पर यार मेरे को बारिश उतनी ज़्यादा पसंद है नहीं, पर मैं जब से महाराष्ट्र आया और जब से रेनी सीजन चालू है तब से देखो क्या मिल रहा है आपको देखने को। हियर इज माय फ्रेंड स्लीपिंग पीसफुली, आई वोंट डिस्टर्ब हिम। ओके, सो अभी बज रहे हैं शाम के 5:18 और अभी जा रहे हैं इधर से मार्केट प्लेस हंट करने को, अभी हमारे पैकेज में चाय भी है तो चाय कॉफ़ी थोड़ा मारते हैं। और ये है प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा टूर है, मतलब ऐसा सॉरी व्यू है, ये ऐसा आपको मिलेगा, फॉरेस्ट फॉरेस्ट पूरा भरा पड़ा है, और ये रिसेप्शन एरिया है, वो चिल्ड्रंस पार्क, यहाँ पे पूल वूल तो नहीं है, अब पूल है, हाँ हाँ पूल है इधर, वो ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना वो पूल है, पर पानी नहीं है पूल में, सो पूल इज़ क्लोज। उधर पार्क है, अगर आप देख सकते हो तो मेरा ये रेड रेड दिख रही है, यही चिल्ड्रंस पार्क है। चलो चाय पीते हैं। वापिस से बारिश हो रही है और वापिस से भींगना हो रहा है, और ये लास्ट सेट कपड़े थे मेरे पास और इनके पास भी लास्ट सेट ही थे, नहीं लास्ट सेट नहीं, इनके पास एक और पैर है, हाँ एक सेट और है। और देखो ये भींग भींग के आपका भाई व्लॉग शूट कर रहा है, इसको एकदम ना आसमान तक फैला दो। सो दिस इज द फन
of Mathuran in rainy season, getting wet and vlogging. तो यहाँ पे मैप नेटवर्क कुछ नहीं है. मेरे घर वाले फ़ोन कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, वो मेरे को पता है. मैं सही सलामत हूँ और वहाँ पे इंडिकेशन वगैरह लगे हुए हैं, तो वही सारे इंडिकेशन वगैरह देख देख के पंजाब रेलवे स्टेशन की तरफ. ये देखो 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 पागल को, हमारे भाई चालाक हैं, ये भींगे हुए कपड़े ही पहन के, और ये तो घर से ही चालाक है. देखो इनको देखो सारा गेटअप देखो इनका, रेनकोट और नीचे पैर में हील्स, पहाड़ियों पे हाइकिंग करने को है. अरे वो बारिश की चप्पल है. भींगने के बाद मैंने एक हैक निकाला है, और वो हैक ये है, भींगने के बाद हैक ये है कि ये रेनकोट डाला है. अभी किसका ले रही है तू? तेरा. मेरा ले लिया. हाँ तो चल चल. 30 रुपये का अपना हैक, फिशरमैन, ये बच जाएगा मेरे पास, फिशरमैन हैक. मार्केट एरिया ऑफ माथेरान. तो यहाँ पे आप आओ, आपको कुछ स्ट्रीट फूड एंजॉय करना है आप करो. और ये इधर ट्रेन की लास्ट स्टॉपेज रहती है इधर पे. सो दिस इज माधव जी पॉइंट. पता नहीं माधव जी हैं किधर. तो अभी अपन ने ऑर्डर करा है मैगी, और मैगी खाएंगे पूरा फुल फूल. ओके गाइस, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर के बाद, रास्ता गुम हो जाने के बाद, इस फॉरेस्ट वाले रास्ते से आ रहे थे, अंधेरा ही अंधेरा, एकदम डर भी लग रहा है कहीं सांप वाप आकर के दर्शन ना दे दे, तो डर के मारे आया, फिर रास्ता वास्ता भूल गया. फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली रास्ता मिल गया और रूम में आ गया. और अब मैं शावर लूँगा और आराम से रेस्ट लूँगा, और फिर कल वापस निकलना है घर को. तो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.